नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। इसी कामना के साथ कि आप सभी रहे स्वस्थ, और स्वस्थ रहने के साथ साथ आपकी और भी तरह की परेशानी, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक, उन तमाम परेशानियों का निदान करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आइए देखते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति की झलक जो कि हमें बताते हैं कि उन्हें आयुर्वेद के माध्यम से कितना ज्यादा फायदा हुआ है। नजर डालते हैं एक बार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शारदा है। आपका जी? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र, आप दोनों भी अभी भी हो? हाँ जी। तो वैदिक उपचार आपने कब मंगाया था हमारा? मतलब कितने दिन से वैदिक उपचार कर रहे थे? 2 साल से कर रहे हैं। तो क्या लाभ मिला उससे? बहुत कुछ लाभ मिला है। क्या क्या लाभ मिला जी? शांति है। अच्छा अच्छा। पहले क्या परेशानी रहती थी? वही ना, हमारी आपस में बनती नहीं थी, मतलब ऐसा रहता था कि घर में वो हम लोग शांति से विचार नहीं मिलते थे, विचार नहीं मिलते थे। अच्छा अच्छा। अब ठीक ठाक है वैसे। अब दोनों का प्यार है ना? हाँ जी। हर दर्द शरीर से गायब हो गया? हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया, खुशी है। दर्द गायब होगा जिनका शरीर? जी जी जी। चलो बहुत अच्छा। यानी वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे? वैदिक पुराने हमारी पूरी संस्कृति है, मतलब एक तो जो बाहर डॉक्टरों में साइड इफेक्ट कुछ नहीं, सब बात है इसका। अच्छा, साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट कुछ नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहोगे वैदिक उपचार के बारे में? साइड इफेक्ट नहीं है इसका, बस जो मतलब करो, नियम से करो तो अच्छा हो जाता है इंसान। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी ये उपचार करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, अगर नियम से करेंगे तो। दर्शकों, आपने खुद ही देखा, इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वैदिक उपचार किस तरीके से आपकी हर समस्या को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। खुद लोग बोल रहे हैं, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, लोग हमें आकर के बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वैदिक उपचार लग करके नियम के साथ किया तो उनको कितना ज्यादा लाभ हुआ है। और बंसल जी, यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक उपचार का जो कोर्स है वो आपने बताया था 6 महीने करो, पर ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि 1.5 महीने में हमें ये महसूस हो रहा है कि हम ठीक हैं। नहीं, वो तो देखो बीमारी के अनुसार हम बताते हैं भाई, किसी को ज़्यादा बीमारी हो तो 2-3 महीने कर लेना, तो 6 महीने कर ले, ऐसे तो 2-3 साल भी हम कराते हैं, तो कईयों का फिर बीच में छुड़वा भी देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने एक फिक्स टाइम रख दिया, वो तो एक अंदाज सा बता दिया जाता है भाई, इतनी बीमारी है तो तेरे को 3 महीने या 6 महीने तो कर ही ले। क्योंकि आयुर्वेदिक और या वैदिक जो हम योग प्राकृतिक आयुर्वेद क्या होता है, थोड़ा सा लंबा टाइम तो ले लेते हैं लेकिन ठीक बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं भाई वैदिक उपचार। देखो, अब मियाँ बीबी के झगड़े थे घर में, 2-3 आदमी और वही झगड़े थे, और पैसा भी रखा रह जाए बेकार है ना। तो इसलिए हम कहते हैं वैदिक उपचार आपके हर तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। इसलिए हम कहते हैं आर्थिक, यानी जो धन की कमी है, पैसे की कमी है, घर में बरकत नहीं होती, उसको कैसे दूर करता आपने खुद देख लिया। मानसिक, यानी जो घर में झगड़े कड़े टेंशन रहेगी उसको भी कैसे, अब मियाँ बीबी अब हस्बैंड से ही ना बात बनेगी तो बताओ कैसे होगा। अब कैसे हस्बैंड देख लो खुश हो गए थे, वो खुश थी, अब कितने दिन से आपस में विचार नहीं मिलते थे, बनती नहीं थी, तो वैदिक उपचार ने अपने आप काम किया। तो इसलिए हम कहते हैं वैदिक उपचार आपके हर तरह के रोगों को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए हमने ये 1500 का किया है कि एक बार आदमी इसको ट्रायल के तौर पर मंगाए, यूज करे, लाभ मिले तो आगे बढ़ जाए, ना तो बंद कर दे। जी बिल्कुल बंसल जी, मात्र 1500 रुपये की बात आपने यहाँ पर की है। और अक्सर देखा जाता है कि जब 1500 रुपये की बात करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और ऊटपटांग की चीज़ें हम खरीद लेते हैं और 1500 रुपये यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। और जब बात आती है स्वस्थ रहने की, तो ऐसे में 1500 रुपये कुछ भी नहीं है। अगर आप उसे अपने शरीर पर लगा लेंगे तो आप देखेंगे आप कितने ज़्यादा तंदुरुस्त अपने आप को महसूस करेंगे। और आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक रूप में हमेशा खुश रहेंगे और आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बंसल जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। किरण जी हैं मोगा पंजाब से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर जी। हाँ नमस्कार किरण जी, बताएं। डॉक्टर साहब जी, जैसे देखो मुझे ना एक प्रॉब्लम है। क्या बताएं? मेरे ना गर्दन पर ना एक ठोड़ी पे ना दाग है, जैसे टाइफाइड बुखार हो जाता ना। हाँ। उसके निशान रह गया, कोई 8-10 साल हो गया, तो वो जा नहीं रहे, मेडिसिन भी लेती हूँ तो कम तो हो जाते, फिर डार्क हो जाते। ना ना ना, वैदिक उपचार एक बार पूरी हमारे यहाँ पर डिटेल बताना डॉक्टरों को। मैं वही कहता हूँ वैदिक उपचार अपनी पूरी बीमारी का विवरण दे, हर एक चीज़ का विवरण दे, घर में कितने आदमी, क्या परेशानी है क्या नहीं, उसी के हिसाब से वैदिक उपचार का सेट बना के भेजा जाता है। उसमें क्या योग करनी है, क्या प्राकृतिक चिकित्सा करनी है, क्या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना है, क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ खानी है, वो फिर हमारे जो जो चीज़ के एक्सपर्ट है उसी के हिसाब से वो वैदिक उपचार बना के भेजते हैं।
और एक ही बीमारी का, इसलिए हमने ट्रायल पैक जो है 1500 का किया है। और आप भी अपनी बीमारी का बताना, ये निशान विशान कैसे गायब होते हैं आप खुद देखोगे, इसका बहुत ही वैसे अच्छा इलाज होता है। लेकिन वो कोर्स थोड़ा सा लंबा रहता है इसमें, क्योंकि ये स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है तो ठीक होने लग जाती है। तब वैदिक उपचार का पूरा आप सेट मंगाना और पूरी बीमारी का अपना विवरण देना हमें। जी बिल्कुल बंसल जी, आपने तो सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है, किरण जी को क्या कुछ करना है। और खास तौर पर आपको बताया गया है कि कोई भी जो आपकी परेशानी है, जिससे आप इस समय ग्रसित हैं, दाग धब्बों की बात कर रही हैं, तो ऐसे में आप हमारे संस्थान के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी विस्तार पूर्वक बताइएगा, उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कौन सा वैदिक उपचार आपको लग करके करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानी जल्द ही दूर होने लगेंगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है, श्वेता जी हैं पूरी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ बताएं श्वेता जी, बताएं। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी श्वेता जी, बताएं। हाँ मैं इससे बोल रही हूँ, और मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिन से देख रही हूँ आचार्य जी। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतने बहुत बहुत धन्यवाद, बताएं। और मेरे बेटे का जो है ना, बहुत दुबला है बेटा, और कब्ज ज्यादा रहता है, वो इस वजह से कुछ खाना अच्छे से। हाँ वो कब्ज रहेगी तो खाना। कितने साल का बच्चा? 9 साल का है। अरे ना ना ना, उसके लिए तो पूरा वैदिक उपचार का पूरा सेट मंगाना और कोर्स करवाना उसको पूरा, पेट पर ठंडी पट्टी बांधना, नाभि पर तेल लगाना, पूरा वो लिख के भेजेंगे, हम तो पूरा लिख के भेजेंगे एक एक चीज़। तो पूरी बच्चे की बीमारी बताना, कितने साल का है, तो पूरे डिटेल एक बार बताना और इसका पूरा सेट करवाना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि कब्ज गैस एसिडी बनेगी तो खाना कहाँ से खाएगा, भूख कहाँ से लगेगी, लैट्रिन आएगी, तो इसका पूरा सेट मंगाना और लग के कोर्स करना, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा बच्चे को। जी जी बिल्कुल, आपने सही बात करी। कोई भी अगर हमें बीमारी को जड़ से निकालना है तो उसके लिए हमें लग करके इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आइए दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वैदिक उपचार के माध्यम से कितने लोगों को फायदा हुआ है, आइए आपसे उनको मिलवाते हैं। क्या नाम आपका? सुमन चौधरी। सुमन चौधरी, कहाँ रहते हो सुमन जी? ये महेंद्र हूँ। महेंद्र, बम्बे में? हाँ बम्बे। आपका क्या नाम क्या बेटे? अंशु चौधरी। अंशु चौधरी, आपकी मम्मी है ये? तो कब से दर्द था आपको इस शरीर में? डेढ़ साल से। नहीं, दर्द कब से था? दर्द चालू होना तभी मेरे को अचानक ज्यादा हुआ दर्द, भैया धीरे धीरे चालू हुआ। अच्छा। हाँ अचानक ये दर्द है, दर्द ने तो मतलब 2 साल होगा, लेकिन दवाई देता अभी 1.5 साल हो गया। अच्छा, दर्द क्या पूरे शरीर में दर्द था? हाँ, पूरे में ज्यादा वो हड्डी में था, वो स्लिप डिस्क में था। अच्छा, स्लिप डिस्क हो गया था ना आपका तो? हाँ स्लिप डिस्क। अच्छा, मम्मी को कितना दर्द होता था बेटे? वो नीचे झुक भी नहीं पाती थी, खड़ी भी, पूरा बेड रेस्ट था। अच्छा, पूरा बेड रेस्ट था। अब कितना आराम है जी सुमन जी? अब ठीक है, मतलब अब काम भी कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा झुकने में थोड़ा वो तो परेशान। अच्छा, काम कर लेती बेटे? हाँ मम्मी कर लेती। अच्छा, अब कितने दिन से दवाई खा रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार की? 1.5 साल हो गए। अच्छा, 1.5 साल हो गया ना। पहले झुक भी नहीं पाती थी ना? नहीं, नहीं, कंप्लीट बेड रेस्ट था। अब कंप्लीट बेड, अब तो घर में यहाँ भी जा जाती है, चली जाती है, झुकने के अलावा पूरा काम कर लेती है। अच्छा, पूरा काम कर लेती है। और घर में किसको और तकलीफ थी जो हमारी दवाई ले रहे थे घर में? मेरी नानी जी थी, अभी उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, उनको भी दर्द रहता था? हाँ, उनको घुटनों का प्रॉब्लम था, घुटनों में गैप था, वो बोला कि ऑपरेशन होगा। अच्छा, लेकिन अभी वो भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। ठीक हो गया, खड़ी खड़ी तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो मुड़ता नहीं है, वो डाक। अच्छा, मुड़ता नहीं है। चलो, आप क्या कहोगे वैदिक उपचार के बारे में? मेरा अच्छा, हमारे लिए तो बहुत, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी ठीक, मैं तो कई लोग को बोलते हूँ, लेकिन वो बोलते पहले तो बोलते फीस कितना है, फीस तो कुछ भी नहीं, दवाया का बोलते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, वो लोग बोलते नहीं। अच्छा जी, फीस दवाई देख के एक बार तो कान ठंडा हो गया, थोड़ा थोड़ा लिया दवाई लिया तो ठीक हुई, हो गई वो ठीक है, चल देगी अभी तो, अभी अच्छा लग रहा है, फीस पूरी वसूल हो गई। प्रभा जी है दिल्ली से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। हेलो। हाँ जी। हाँ प्रभा जी बताएं। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार प्रभा जी बताएं। हाँ जी डॉक्टर जी, मेरे ना हाथ में दर्द हो रही है, हथेली के पीछे ना। हाँ हाँ, सुबह उठो तो मुट्ठी नहीं भिजती मेरे हाथ की। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी। और मेरे पैरों में दर्द रहा। कब से रह रहा है पैरों में दर्द? पूरे यही हो रहा है, 5-6 महीने से काफी हो रहा है, पहले कभी कभी हो जाता था, ज्यादा हो गया है। तो हमारा प्रोग्राम कब से रहो पैर? हमारा प्रोग्राम कब से देखते हो प्रभा जी? हाँ जी, हमारा प्रोग्राम कब से देख रही हो? और आपका प्रोग्राम मैं अभी थोड़े दिन से देखने लगी, मेरे को किसी ने बताया था, तो यही साल एक भर से देख रही हूँ। एक साल से? हाँ जी। और बीमारी 6 महीने से हुई है, क्या उपचार किया अभी तक हमारा?
कुछ नहीं किया मैंने तो, अभी मेरे को पहले पता नहीं था, अब मैं कुछ भी नहीं किया, अब मेरे ज्यादा होने लगा, पहले होता नहीं था इतना कोई खास मैं। हाँ बीमारी बढ़ बढ़ जाती ना तो उपचार करते तो कुछ तो होता, फिर वैदिक उपचार का मेरा पेट भी थोड़ा फूलने से लग गया है। वो तो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, उसकी तो चिंता छोड़ दो, तो पट्टी बंद हो गए खत्म हो जाएगा वो तो। कहाँ रहती हो तुम प्रभाजी? मैं दिल्ली में, यहाँ शास्त्री नगर। हाँ तो फिर पूरा पूरा कोर्स मंगा लेना, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, पर करना कोर्स लग के बिल्कुल ठीक होती जाओगी प्रभाजी। जी बिल्कुल, आप लगातार सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि वैदिक उपचार जब अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपको क्या खास तौर पर ध्यान रखना है, लग करके कोर्स करना है। अगर बीच में आप छोड़ देते हैं फिर बाद में कहते हैं कि हमें पूरा फायदा नहीं हुआ, तो ऐसे में हम आपको बता दें कि अगर आप लग करके करेंगे तभी जो आपकी परेशानी है वो जड़ से मिट जाएगी। और ऐसे में मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूंगी ऐसे दर्शकों की मुंह जबानी जो खुद बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि वैदिक उपचार से हमें कितना ज्यादा लाभ हुआ है, कितना ज्यादा उनके लिए सहायक सिद्ध हुआ है। आइए नजर डालते हैं। मेरा नाम ब्रिगेडियर बंसल है और मेरे को माइग्रेन थी क्रॉनिक राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। मैंने आपकी मेडिसिन ली तकरीबन 8-9 महीने और 95% मेरी माइग्रेन खत्म हो गई है। कहाँ रहते हैं सर आप अभी? मैं नोएडा में रहता हूँ जी। आपको क्या तकलीफ थी पहले? मुझे इतनी कोई तकलीफ नहीं, पर अभी लग रहा है कि थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है। क्या नाम आपका? अनु। कहाँ रहते हो अनु जी? पलवल। क्या तकलीफ आपको? गठिया बाएगी। कब से गठिया बाए? 9 सालों से सर। तो 9 साल से इलाज करा रहा हूँ, नहीं पड़ जाए क्या सर? नहीं। कितनी बीमारी बढ़ गई है? बीमारी ये बढ़ गई है, टांग में जकड़न है, घुटनों में दर्द होता है, चला नहीं जाता। उंगलियां मुड़ गई है? पैर की उंगलियां मुड़ी हुई है। मतलब 9 साल से अंग्रेजी इलाज करा रहे हो? होम्योपैथ भी और अंग्रेजी भी, बिल्कुल आराम नहीं पड़ा ना आपको सर? नहीं। बीमारी बढ़ती जा रही है ना? हाँ जी। तो हमारे बारे में यहाँ पे वैदिक उपचार के बारे में किसने बताया? हमारे रिलेटिव ने। क्या बोले वो? कि आप यहाँ ट्रीटमेंट करवाओ तो हो सकता है आपको फर्क पड़ जाए। उन्होंने किया हमारा इलाज सर? हाँ जी। उनको आराम पड़ा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप कौन है जी? आप कौन है? हाँ जी, मम्मी हूँ मैं इसकी। मम्मी है? हाँ जी। तो घर में और किसी को बीमारी है क्या गठिया भाई की? नहीं किसी को नहीं है, इसकी नानी जी को रहती थी। अच्छा, नानी जी को रहती? हाँ जी, पर वो उनको इतना तकलीफ नहीं थी, उनका इलाज 10-12 साल चला था, पर वो तो ठीक थे, पर अब एक्सपायर हो गए हैं 85-86 साल। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पर इनको तकलीफ है? हाँ जी, अब इनकी तकलीफ अब बड़ी है साल से। अब बढ़ गई ना साल से? पहले तो काम चल रहा था, 9 सालों से इलाज होम्योपैथिक चल रहा था, अब तकलीफ बढ़ गई है। बढ़ गई है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका? वंदना जैन। वंदना जी, कहाँ रहते हो वंदना जैन जी? नांगलोई। नांगलोई, क्या तकलीफ रहती थी आपको? बैक पेन थी, चोट लगी हुई थी, मतलब हाँ जी गिर गई थी मैं, तो उसके बाद से ही दर्द रहता था। अच्छा, इनकी कमर बैंड हो गई थी जी, आप इनके हस्बैंड हो ना? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दिनेश जैन। मतलब हमारे यहाँ से कितने दिन हो गए इलाज कराते हुए? करीब 100-150 साल। अब कितना आराम लगता है इनको? आपको इनके 60-70% आराम है। अच्छा, पहले मतलब कमर झुक जाती थी इनकी, क्या होता था? नहीं, वो कुछ नहीं, तो अब भी है लेकिन पहले काफी आराम है। अच्छा, 15 सीढ़ी आती है तो वापसी उसी पर आती है धीरे धीरे। हाँ, पहले क्या मतलब कमर झुक जाती थी इनकी, क्या होता था? दर्द रहता था, दर्द रहा पीछे, दर्द ही रहता था बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, अब 60% आराम है। हाँ, अगर कोई भी आपको और परेशानी है तो हम जल्दी अब शिविर लगाने लग गए हैं, उन शिविरों का आप हिस्सा बनिए। उसमें आपको जो मानसिक आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी योग की विद्या थी, योग के द्वारा तो भगवान को पाया जा सकता था, ये छोटी मोटी बीमारियां, ये जो दुख दर्द है ये कैसे दूर हो, क्योंकि योग बहुत बड़ी साइंस है और जो हमारे वेदों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हम वेदों का 10% भी हिस्सा करने लगें तो हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। अब जो हमारे शिविरों के जो आगे विवरण जा रहे हैं तो आप अपने शहर में भी देख सकते हैं, तो उन शिविरों का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करिए। जितनी भी हमारी जैसे ब्रांचें हैं, जो हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, जैसे नागपुर में है, बम्बे में है, उल्लासनगर में है, मेरठ में है और ग्वालियर में है, तो उनमें आके या दिल्ली में है तो नाड़ी परीक्षण करा के अपना इलाज करा सकते हैं कोई भी सारा की बीमारी है। आज के इस बदलते परिवेश में खतरनाक बीमारियों से बचने और सावधान रहने के लिए वैदिक उपचार के शिविर अभियान में योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अनूठा संगम देखने को मिला। जो मैंने अपने अनुभव किया है कि अधिकतर तो रोग मानसिक रोग हो जाते हैं, अधिकतर रोग आर्थिक परेशानी के कारण हो जाते हैं,
आदमी कहता है भाई मेरे को आर्थिक परेशानी रहेगी तो उससे जूझता रहेगा, तो दिमाग में वही टेंशन बनी रहेगी। मान लो लड़की की शादी करनी है और घर में पैसे नहीं है तो क्या होगा, वो थोड़े दिन में हट की उसको ऑटोमेटिकली बीमारी आने लग जाती है, क्योंकि घबराहट होने लग जाएगी, पैसे नहीं है भाई, समाज में कैसे बात होगी, कैसे मैं करूँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। तो 24 घंटे रात को सोते भी उसको वही थॉट आते रहते हैं, तो यानी आर्थिक परेशानी के कारण भी उसको बीमारी आ जाती है। और जो हमारा मेन मकसद यही है कि आर्थिक और मानसिक और शारीरिक परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। अपने आप को, अपने परिवार को कौन नहीं चाहता कि वो स्वस्थ रहे, इसीलिए लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी तरह लोग इस शिविर में पहुंचे और उन्होंने हार्ट से संबंधी समस्याओं, गैंग्रीन, माइग्रेन, शुगर, बीपी जैसी कई खतरनाक बीमारियों में लाभ पाया। डॉक्टरों ने बोल दिया ये पैर कटेगा आपका, 5 साल पहले लिख दिया। अच्छा अच्छा, अब पैर फिर भी बचा हुआ है लेकिन ये कालापन है, ये कालापन भी धीरे धीरे अब इनका ठीक हो जाएगा, क्योंकि 5 साल से जब डॉक्टरों ने बोल दिया था पैर कटेगा, लेकिन गन्ने का सिरका बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है, तो इसमें जो पैर कटने की जो नौबत थी गैंग्रीन वो ठीक होना चाहिए। मैं रवि शर्मा पंचकुला से आया हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, स्टंट डले हुए हैं मेरे, बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है मेरे को, आज डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ, इनकी दवाई से शुगर खत्म हो जाती है, बीपी कम हो जाता है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कैसे लाभ पहुंचाता है वैदिक उपचार सेट, तो आप भी आज ही वैदिक उपचार के डॉक्टर से फोन पर सलाह लें और अपनी किसी भी बीमारी से संबंधित वैदिक उपचार सेट मंगवाएं। मेरा नाम कुलवंत कौर है और मुझे तकलीफ थी, मैं 1 साल से इनका प्रोग्राम देख रही हूँ और मैंने इनसे दवाई मंगाई थी और उसके बाद मैं बिल्कुल उठ नहीं पाती थी, इतनी मुझे टेंशन थी कि मैं उठ नहीं पाती थी। इनकी दवाई से मुझे काफ़ी आराम है और मैं मतलब इनकी दवाई ले रही हूँ उससे मुझे इतना है कि मैं खड़ी होती हूँ, अभी भी डोर भोर जैसे होती हूँ ना ऐसे हो जाती हूँ, तो मुझे आगे से काफ़ी फ़र्क है, अब खड़ी हो पाती हूँ, दवाई इनकी मैं ले रही हूँ और इनसे अब मिल भी लिया है मैंने और बात चीत कर ली है। मैं तो इनके दर्शन ही करने आई थी, सच्ची बताऊं तो आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके जो वे ऑफ टॉकिंग है और ये दवाई के साथ साथ योगा का भी ये जो बताते हैं ना, ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम हैं जो योग का और जो छोटे मोटे घरेलू नुस्खे बताते हैं ना, वो सब नहीं बताते। बंसल जी और उनके अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने हमेशा समाज हित में काम किया और जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेद का सहारा दिया जिससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ। आइए जान लेते हैं कुछ और लोगों से भी। रविदत्त शर्मा मोहाली चंडीगढ़, इनका जितना भी एडवाइस है पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है और हम कई बार घर में बैठ के भी इनका जो एडवाइस है उनके ऊपर असर करते हैं तो हमें वो फायदेमंद होता है, तो इसलिए स्पेशल आए थे कि इनके दर्शन करने जरूरी, क्योंकि इस तरह की आत्माएं बहुत कम हैं, बहुत महान हैं ये। सबसे अच्छी इनका ये लगती है कि ये कोई बहम वाली चीज़ नहीं बताते किसी को भी, सही चीज़ बताएंगे और सही नुस्खा बताएंगे। मेरे घुटनों में दर्द होती थी तो इन्होंने जो बताया उसके मुताबिक किया तो मेरा योगा भी ठीक हो गया और मेरे घुटनों की दर्द भी ठीक हो गई, नाउ आई एम फिट। जे आर मुखियान शिमला, इनका हर एक चीज़ दवाई अच्छी लगती है, वैदिक अमृत मैं 4-5 साल से ले रहा हूँ, काफ़ी फ़ायदेमंद है, सभी लोग इनका उपाय करें, बंसल जी का उपाय करें, बहुत फ़ायदेमंद है। वैदिक उपचार सेट आपकी हर बीमारी को ठीक करने में सहायक है, एक बार जरूर मंगवाएं। मिसिस की दवाई मंगाई, गोड़ों में बड़ा दर्द था तो उसके लिए मशीन भी मंगवा रखी एक और सलाकी के कैप्सूल भी मंगवा रखे, को तेल भी मंगवा रखा है, तो सलाकी के कैप्सूल जो है ना उसने तो खाया नहीं क्योंकि वो प्राइवेट दवाई ले रही थी दूसरी जगह से, उन्होंने बोली आप खा लियो, मेरे गोड़ों में दर्द था, मेरे गोड़ों में इसे आराम आया, तो मैं एक फरलाग नहीं चल सकता था ना, अब मैं चाहे 2.5 किलोमीटर पैदल चला लो मेरे को। अच्छा, साथ में फिर हल्दी का दूध भी पीते हैं डेली, थोड़ी सी दवाई लेने से इतना हमें आराम आ गया तो इससे फिर हम बड़े प्रभावित हुए। योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद शिविर का आयोजन अपने शहर में करवाने के लिए संपर्क करें 9266300600।